नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमानी नैथानी। आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं आज कौन कौन सी वो खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अयोध्या मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से शुरुआत में ही विरोध इसका कर दिया गया था, जब बाद में पहले ये हुआ था कि 3 दिन सुनवाई इस पर होगी, ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, यानी मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार। लेकिन फिर बाद में कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि हफ्ते के 5 दिन यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इस पर सुनवाई होगी। अब मुस्लिम पक्ष ने जिस तरह से पहले ही इस पर विरोध जता दिया था, अब अगर बात करें राजीव धवन की, जो कि मुस्लिम पार्टी के वकील हैं, उन्होंने ये आज कहा है कि कोर्ट में 5 दिन अगर सुनवाई होगी तो इस पर उनको आपत्ति है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मौका नहीं मिल पाएगा उनको केस पर ध्यान देने का सही तरीके से, और अगर ऐसा होता है तो फिर उन्हें केस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह की बातें राजीव धवन की ओर से लिखी गई। हालांकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ये कहा कि ठीक है, हमने आपकी शिकायत सुन ली है, इस पर गौर किया जाएगा, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। तो ये अयोध्या मामले से जुड़ी जो आज की अपडेट थी, ये हम आपको दे रहे हैं। आज आपको बता दें कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसकी दलील आज इस पर चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा कश्मीर मुद्दे को लेकर भी बात कर लेते हैं। कश्मीरियों की हालांकि अब जो जिंदगी है वापस पटरी पर लौटने लगी है, ईद का मौका है, ईद आने वाली है, तो उसके लिए घाटी में धारा 144 में थोड़ी सी ढील भी दी जा रही है, और जो भी जरूरत का सामान है वो लोगों को घरों तक ही पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, घरों तक ही आपका सामान पहुंच जाएगा। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्रशासन को, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसकी आपको ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं। और आज आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है, वापस पटरी पर लौट रही है, थोड़ा नॉर्मलाइज होने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, ढील भी दी जा रही है धारा 144 में। लेकिन इस बीच इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के यूएन से गुहार लगाने की जो घोषणा की गई थी पाकिस्तान की ओर से, अब उसके मद्देनजर भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारत यूएन जो संयुक्त रक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, और साथ ही जो अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, इनके साथ बातचीत वो कर रहा है पाकिस्तान को, ताकि इससे बात दी जा सके, क्या स्थिति है इसके बाद उससे भी अवगत भारत की ओर से कराया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रत्येक सदस्य जो है उससे न्यूयॉर्क में भारत का स्थायी मिशन संपर्क कर उन्हें यह स्थिति बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर क्या उसके बाद स्थिति है, और इसका अर्थव्यवस्था पर किस तरह से सकारात्मक असर हो रहा है, उसकी जानकारी दी जा रही है। ये भी इस बीच खबर आई कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे किस तरह से पाकिस्तान का हाथ है, उसमें भी सुरक्षा परिषद के सदस्यों को बताया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को ये कहा कि भारत के जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य दर्जा जो है वो समाप्त करने के मामले को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा, और इसी के मद्देनजर दरअसल ये जो तैयारी है भारत की ओर से वो हो रही है। उन्होंने ये बताया कि ये फैसला कश्मीर विवाद से पहले से मौजूद संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मद्देनजर लिया गया है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजनयिक और व्यापारिक समझौता उसने इसके बाद इस वॉकआउट के बाद खत्म किया। हमने देखा कि समझौता एक्सप्रेस किस तरह से उसने रोक दी, हालांकि आज जो वो नागरिक है, जो भी लोग उसमें थे, वो आज सकुशल वापस यहाँ पर आ गए हैं। सुबह 8 बजे ये ट्रेन वापस लौट आई है। लेकिन इस बीच जो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है उस पर भी यहाँ पर अड़ंगा लगा रहा है पाकिस्तान। एक बार फिर से अपना वही रवैया दोहराते हुए उसने काउंसलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर कुलभूषण जाधव मामले की हम बात कर रहे हैं, उनको काउंसलर एक्सेस देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था, ये कहते हुए कि वो जासूसी कर रहे थे और वो रॉ के एजेंट है, जबकि वो कानूनी तौर पर ही ईरान में अपना व्यापार करते थे। पाकिस्तान ने 25 मार्च 2016 को प्रेस रिलीज के जरिए भारतीय अफसरों को कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बारे में बताया था। लेकिन अब जिस तरह से ये हुआ, घटनाक्रम तमाम हो रहे हैं, 370 हट रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों में 2 यहाँ पर विभाजित हो चुका है, इस पर उसने आपत्ति जताई है। बौखलाहट उसकी किस तरह से सामने आ रही है, सबसे पहले आई जो राजनयिक संबंध है वो खत्म किए गए, उसके बाद जो व्यापारिक संबंध है वो किस तरह से खत्म किए गए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि भारत की सेहत पर या भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा पाकिस्तान जो खुद कंगाली के स्तर पर जो है, जो कंगाली से जूझ रहा है यहाँ पर, उसी पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ की, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, और इसके जरिए
22 करोड़ पौधे जो हैं वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। दरअसल 77वीं वर्षगांठ, भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ है जिसके उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। 22 करोड़ पौधे रोपने का एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हरिशंकरी पौधा है जिसे रोपकर वो इसकी शुरुआत करेंगे। जो वन मंत्री हैं उन्होंने ये बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए गए जो पेड़ हैं उसमें जियो टैगिंग भी की जाएगी, इससे उसकी प्रामाणिकता बनी रहेगी। ये टैगिंग जो है वो GPS के माध्यम से भी होगी, तो सब कुछ रिकॉर्ड में यहाँ पर होगा। गिनीज वर्ल्ड बुक में भी नाम दर्ज इसके जरिए कराया जाएगा। 22 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पौधारोपण के लिए जो सबसे ज्यादा है वो सागवान, सैजन, यूकेलिप्टस और आम महुआ के जो पौधे हैं वो बांटे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री की और क्या कुछ कार्यक्रम इसके अलावा है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। ये तमाम वो अहम खबरें हैं जो लगातार सुर्खियां बनी हुई है और अपडेट्स हम आपको देंगे। आप जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज के साथ और यूट्यूब के साथ।